नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल ताप्ती अर्जुन। आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल भैंसदे के झल्लार स्टैंड के पास भोपाल एसटीएफ की टीम ने की बड़ी कार्यवाही। 3 संदिग्ध युवकों को 18 पिस्टल और 7 मैगजीन के साथ किया गया गिरफ्तार। बैतूल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नीरज सोनी ने दी जानकारी। बताया एसटीएफ भोपाल के द्वारा वैन का भोपाल से किया जा रहा था पीछा। स्थानीय पुलिस से घेराबंदी के लिए मांगी गई थी मदद। झल्लार में की गई घेराबंदी, वैन को रोक कर ली गई तलाशी, जिसके बाद 3 युवकों को लिया गया हिरासत में। आठनेर नगर परिषद आठनेर में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। सुषमा मनोज जगताप बनी नगर परिषद की नई अध्यक्ष। कांग्रेस हुई क्रॉस वोटिंग का शिकार, 13 वोट पाकर मिली सुषमा मनोज जगताप को जीत, वहीं कांग्रेस को मिले सिर्फ 2 वोट। बैतूल तुलसीनगर इलाके में कुत्ते को लेकर हुए विवाद में 4 लोगों ने मिलकर की एक युवक की जमकर पिटाई, घायल पहुंचा गंज थाने, शिकायत कराई दर्ज। पुलिस ने उक्त युवक को मेडिकल के लिए भेजा जिला चिकित्सालय। क्या बैतूल जिले के अंदर किसी भी तहसील की कोई प्रॉपर्टी जैसे खेत मकान या दुकान को आप बेचना चाहते हैं तो हम दिखाएंगे अपने चैनल पर आपकी एडवर्टाइज। नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। बैतूल गंज थाना पुलिस ने माजी नगर इलाके में एक युवक के खिलाफ आबकारी एक्ट के अंतर्गत मामला किया पंजीबद्ध। उक्त युवक के पास से शराब की गई जब्त। माजी नगर इलाके में युवक द्वारा बेची जा रही थी शराब। बैतूल कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदर का मामला। कल शाम करीब 6 बजे संजय गवाड़े नाम के एक युवक ने शराब के नशे में किराए के घर में दी अपनी जान। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है जांच। बैतूल सेना भर्ती रैली की तर्ज पर कल एबीवीपी ने पुलिस परेड ग्राउंड में 1600 मीटर दौड़ का किया आयोजन। महिला और पुरुष वर्गों की अलग अलग कराई गई दौड़। पुरुष वर्ग में सुभाष यदुवंशी ने 4:50 में, जबकि महिला वर्ग में रागिनी पवार ने 6:20 में दौड़ को किया पूरा। प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले खिलाड़ियों को साइकिल देकर किया गया पुरस्कृत। बैतूल ग्राम जामती के पास कल देर रात नशे की हालत में बाइक से घर जा रहे युवकों की बाइक फिसली। बाइक स्लिप होने से 2 युवक अखिलेश उइके और जयपाल करोचे हुए घायल। मुल्ताई प्रभातपट्टन सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर हो रही है चोरी की घटनाएं। कल प्रभातपट्टन स्थित खांडवे इंडियन गैस एजेंसी के ऑफिस में अज्ञात चोरों ने की चोरी। शटर तोड़कर करीब 7000 रुपए की चिल्लर चुरा ले गए चोर। आप भी सीखना चाहते हैं? यदि आत्मरक्षा सिखाना चाहते हैं अपने बेटे और बेटियों को जूडो कराटे तो आज ही नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। मुल्ताई हरदोली जल आवर्धन योजना के अंतर्गत फिल्टर प्लांट का काम लगभग हुआ पूरा। प्रॉपर कनेक्टिविटी के बाद शुरू हो जाएगी फिल्टर वाटर सप्लाई। क्षेत्रीय जनता को इसका मिलेगा सीधा फायदा। मुल्ताई सीएम राइज स्कूल के खेल मैदान पर कल ब्लॉक स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। करीब 300 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया भाग, दिखाई अपनी प्रतिभा। मुल्ताई समीपस्थ ग्राम बोरगांव के मोक्षधाम तक पहुंचने के लिए नहीं है सड़क। अंतिम संस्कार के लिए दूसरे स्थान से पड़ता है जाना। ग्रामवासियों ने की इसको लेकर सड़क के जल्द निर्माण की मांग।
आमला पंखा मार्ग पर एक बाइक हुई अनियंत्रित। बाइक फिसलने से पति पत्नी हुए घायल। इलाज के दौरान पत्नी की हुई मौत। पति की हालत अभी भी गंभीर। घोड़ा डोंगरी कल पाथाखेड़ा के न्यू मार्केट में पहुंची WCL की सुरक्षा विभाग की टीम। न्यू मार्केट में अवैध रूप से अतिक्रमण हटाने की गई कार्यवाही। बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। भौरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा निकाला गया पथ संचलन। पथ संचलन का जगह जगह किया गया पुष्प वर्षा करते हुए जमकर स्वागत। सारनी एक युवक ने अपनी पत्नी और अपनी सास पर ब्लेड एवं चाकू से किया हमला। हमले के बाद युवक की पत्नी और सास दोनों हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस द्वारा दोनों का कराया गया मेडिकल। तो ये थी बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। मिलते नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।